तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का। चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान में दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी। सारी भाई, जो पहली बार बताया गया जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती और अमरीश पुरी इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और होते तो ज़रूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ दो ही बातें पूछी, एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा और दूसरा इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा। वो गदर वन के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी, पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने लिए, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए चीज़ें घटती कैसी हैं, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए। तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी, जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है, ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं। सनी देओल साहब जिनका काम है, नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था, रवि वर्मा को मैं बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे। तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये बंदा है कौन, बोले उसी वक्त इस बंदे से फ़ोन पे बात करा दी, मैंने कहा कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे, कल आके मिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई, सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आप जरा टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया और सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी, तो आप कृपया आइए ऊपर एक बार, जोरदार तालियों से मनीष के लिए। बड़े परफॉर्मर, मैं शूट में मौजूद था, लखनऊ में भी था, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी, नरेशन भी देखा, उसके बाद जितने भी सीन्स देखे कमाल है, क्या बात है। अरे अरे सर 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 सर, जिसने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई बात बताओ, कितना प्रेशर था, और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को? ये बहुत मुश्किल था, मेरा सौभाग्य है, मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला, और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते। ये मेरा खुद लगता है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ, जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर हैं, इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे, एक बार जोर ताली बजाइए हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। तो इतना वादा करता है जी, हाँ अनुराग पांडे का वादा है कि 11 अगस्त को आप लोगों को मजा आने वाला है। देखो जी जी बिल्कुल, आइए ग्रुप फोटो देंगे, एक ग्रुप फोटो। हाँ जी माइक दे दीजिए। थैंक यू अरे चारों में लेते हैं।